आपको क्या चाहिए भैया? हमें वो दे दो जो घर में लटका दे मैं, जिससे पूरा घर ठंडा ठंडा हो जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये साले गांव चाहे फट गमा रहे हैं। तो अच्छा, मुझे लगे तुम एसी की बात कर रहे हो शायद। है भैया, नाम काम की तो मुझे कुछ ना पता, बस मुझे इतनी पता है वह घर के बाहर लटका दे मैं, तो वहाँ से पूरा घर ठंडा हो जाए। वह मशीन दे दो मुझे। हाँ सर जी, उसे एसी बोलते हैं। अच्छा तो भैया ये बताओ, क्या रुपया किलो दिए वो? अरे बाबा, एसी किलो के हिसाब से नहीं आती है। अरे सर, वो किलो के हिसाब से नहीं आती। अच्छा तो कैसी आती है, लाओ दिखा दो हमें तनक। दो मिनट रुको, बस लेके आया। देख लो सर, ये रही एसी, बहुत बढ़िया एसी है। और एक बात और, पूरी एक साल की गारंटी के साथ है। हम भी मेरी सास की, ये तेरी बदौलत है जो इतनी चांद पे चढ़ा है। अगर मेरे अंडर में होना ये, तो यार दो मिनट में सुधार दूंगा। दो मिनट में यहाँ पे रैंप पे इतने बजाऊंगा। पापा ओ कड़ी खाए पापा, मोए ना पता मुझे, इस घर में एसी लगवा दो। अबे बहन के मामा, तो ये देख ले बिल्कुल काम धंधा पीटा पड़ा है और तो एसी की पड़ रही है। मोए ना पता तुम मेरे ताई एसी लगवा दो। सवन के घर में एसी लगी पर हमारे घर में एसी ना लगी, तुम एसी लगवा दो पापा। काय क्या होगा लौंडा, काय को रुला रहे हो तुम? ले देख ले, ये तेरा बाप यूं कह रहा एसी लगवा दो, मोए पे रखे हुंड जो यहाँ के टाइम में एसी लगवा दूं। ओरे पापा, ए मोए ना पता तुम एसी लगवा दो घर में, मोह पे गर्मी ना कटे। ए मांझा बहन के मामा, मांझा काय को आती कर रहा है, यहाँ से चला जा कहीं, काला मुंह करके मत परेशान करे मोए। मैं तो खुद पहले ही परेशान हूँ काम धंधे से। मम्मी मर जावंगा, मोए ना पता एसी लगवा दे। है ऊपर वाले, ये कैसा लौंडा है या जैसा तो पूरे गांव में ना होगा, ये तो बड़ा बदमाश है। ए मम्मी, मोए ना पता सवन के घर में एसी लग गई पर तुम क्यों ना लगवा रहे? अब तू देख रही है, देख रही है, मैं तो इस लौंडे से आती होगा, ये लौंडा कितना परेशान कर रहा है। एक काम करो तो, जब लौंडा इतना जिद कर रहा है तो एक एसी लगवा ही दो। तुम्हें पता है हमारा लौंडा थोड़ा जिद्दी है। हम भी मेरी सास की, ये तेरी बदौलत है जो इतनी चांद पे चढ़ा है। अगर मेरे अंडर में होना ये, तो यार दो मिनट में सुधार दूंगा। दो मिनट में यहाँ पे रैंप पे इतने बजाऊंगा। हाँ तो मुझसे क्या कह रहे हो, जैसे तुम ऐसी तुम्हारी औलाद। देख तो ये बता रहा हूँ, गर्मी में मेरे मुंह मत लगे, वैसे ही मेरा मूड खराब हो रहा है, सुबह से रोटी वोटी कुछ खाई ना है। गधड़िया की बहू, तनक तेरे घर में अचार की मिर्चा है क्या? ना चटोरे बाबा, हमारे घर ना आते अचार की मिर्ची पिर्च। अरे तो गधड़िया की बहू, तनक सब्जी वब्जी बनी हो तो तनक सब्जी दे दे, ऊपर वाला तेरा भरा करेगा। ना सब्जी वब्जी ने बनाई है हमने सुबह से, यहाँ सुबह से एसी के चक्कर में लड़ाई हो रही है और तुम सवेरे सवेरे सब्जी मांगने आ गए। अरे तो बेटा मेरे पेट में चूहे फूट रहे, तनक मनक कुछ खाने पीने को पड़ा हो, थोड़ी सी सब्जी रोटी तनक दे दे। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो बाजार से एसी दिलवाने, वहीं तुम्हें छोले भटूरे और टिक्की समोसे खिला के लाऊंगी। सही बता बहू, फिर तो तुम्हें एक पौवा भी पिलाना पड़ेगा। अरे तो चटोरे बाबा, पहले एसी तो मंगा दो, मैं तुम्हें पौवा पिला दूंगी, पहले घर में एसी तान दो। तो फिर चलते हैं जल्दी, ऑटो फोटो से चलेगी या गाड़ी ले चलोगी? अरे बाबा बस मुझसे 12,000 रुपया एसी के लिए, तनक पैदल पैदल चलते हैं, तनक किराया भी बच जाएगा। ये हमारा खसम ऐसा है, इन्हें 1 रुपया तक न दिया अभी तक। अरे तो बहू तुम एक काम करो, तुम्हें गर्मी गर्मी तो काटनी है बस। हाँ बस ये 2 महीने बहुत कड़े हैं, मई और जून, बस ये 2 महीने कट जाए, लौंडा बड़ा परेशान हो रहा है। एक आइडिया दे रहा हूँ, तुम किस्तों पर ले आओ एसी, अब वो 3 महीने बाद उतार के ले जाएगा, बस तुम किस्त मत भरियो एक भी। अच्छा बुढ़ाई एक बात बताइए, तनक तुम ज़्यादा चतुर हो, तुम्हारे चूतरन में कोई इतने डंडा बचाएगा, बचाने वाला भी तुम्हें पैदा ना होगा। अबे बेटा गधड़िया, तू तो मुझे हल्के में ले रहा है, बेशक मेरी शादी ना हुई पर बारात तो बहुत करी है। पिछली बार बताऊँ छोरा तुझे, पिछली बार मैंने एसी फ्री में लगवाई थी, पूरी गर्मी एसी की हवा में काटी, मैंने किस्तों पे एसी लगवाई थी और एक भी किस्त ना भरी, 3 महीने बाद वो उतार के ले गया, मेरी सास की गर्मी भी चली गई। अरे वाह चतुरे बाबा वाह, तुम तो बहुत चतुर हो, फिर चलते हैं, एक तनक मुझे भी दिलवा लो। चलो आओ भाभी, ठीक है तो। अबे इनके साथ मुझे जाना पड़ेगा, ये चटोरे बाबा बहुत बदमाश है, कहीं मेरी लुगाई को अपने बस में न कर ले। अबे बीरपाल मेरी सास के, आज तो नहा धोकर आया क्या ना, आज तो सुबह से कोई ग्राहक ही ना रहा। शिव जी यही तो मैं सोच रहा हूँ, आज तो कोई आया ही नहीं, सुबह सुबह किस दारिके का मुंह देख लिया उठ के।
ये सेठ जी कोई आया तो सही, ऊपर वाले ने सुन ली हमारी। हाँ जी सर, बताइए क्या चाहिए आपको। ओ तेरी, ये तो मुझे सर कह रहा है मेरी सास का, वरना गांव में तो मुझे सब चटोरे बाबा कह में। हाँ तो बताइए सर आपको क्या चाहिए। भैया हमें वो दे दो जो घर में लटका दे मैं, जिससे पूरा घर ठंडा ठंडा हो जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये साले गांव से फट गमा रहे हैं। तो अच्छा, मुझे लगे तुम एसी की बात कर रहे हो शायद। है भैया, नाम काम की तो मुझे कुछ ना पता, बस मुझे इतनी पता है वह घर के बाहर लटका दे मैं, तो वहाँ से पूरा घर ठंडा हो जाए। वह मशीन दे दो मुझे। हाँ सर जी, उसे एसी बोलते हैं। अच्छा तो भैया ये बताओ क्या रुपया किलो दिए वो। अरे बाबा, एसी किलो के हिसाब से नहीं आती है। अरे सर, वो किलो के हिसाब से नहीं आती। अच्छा तो कैसी आती है, लाओ दिखा दो हमें तनक। दो मिनट रुको, बस लेके आया। देख लो सर, ये रही एसी, बहुत बढ़िया एसी है। और एक बात और, पूरी एक साल की गारंटी के साथ है। बड़ाई एक बात बताइए तनक, तुम ज़्यादा चतुर हो, तुम्हारे चूतरन में कोई इतने डंडा बचाएगा? बचाने वाला भी तुम्हें पैदा ना होगा। अबे बेटा गधड़िया, तू तो मुझे हल्के में ले रहा है। बेशक मेरी शादी न हुई पर बारात तो बहुत करी है। पिछली बार बताऊँ छोरा तुझे, पिछली बार मैंने एसी फ्री में लगवाई थी, पूरी गर्मी एसी की हवा में काटी। मैंने किस्तों पे एसी लगवाई थी और एक भी किस्त न भरी। 3 महीने बाद वो उतार के ले गया, मेरी सास की गर्मी भी चली गई। अरे वाह चतुरे बाबा वाह, तुम तो बहुत चतुर हो। फिर चलते हैं, एक कनक मुझे भी दिलवा लो। चलो आओ भाभी, ठीक है तो। अबे इनके साथ मुझे जाना पड़ेगा, ये चटोरे बाबा बहुत बदमाश है, कहीं मेरी लुगाई को अपने बस में न कर ले। अबे बीरपाल, मेरी सास